ग्वालियर बाईपास पर तेज रफ्तार बाइक ने राहगीरों को मारी टक्कर, हादसे में दो लोग हुए घायल। शिवपुरी शहर के ग्वालियर बाईपास पर बीती रात पैदल जा रहे राहगीरों में एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बाइक चालक गाड़ी को लेकर मौके से भाग गया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक शख्स को इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कमल लाल निवासी घटाई ने बताया कि वह अपने 3-4 साथियों के साथ ग्वालियर बाईपास लॉज के पास से मनियर पैदल जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने ग्वालियर बाईपास लॉज के पास पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह और सुनील घायल हो गए। कमर लाल ने बताया कि सिर और हाथ पैर में चोटें लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। कमल लाल कहाँ के रहने वाले? गटाई। थाना कौन सा पड़ता है? पोरी। क्या घटना हो गई? ये छत में लग गई। नहीं, कैसे? मोटरसाइकिल से। तुम पैदल थे? पैदल जा रहे थे काम। कितने लोग जा रहे थे पैदल? 3-4 लोग है। 3-4 के नाम क्या? चोट किस किस को आई? मेरे आई और ये और मेरे साथ। क्या नाम है उसका? बाबा नाम सुनील। सुनील, अच्छा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मनियारा। घटना किस जगह पे हुई है? मुझे लॉन्च के सामने ग्वालियर वाई पास। ग्वालियर वाई पैदल आ रहा, पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, दो लोग घायल हुए हैं और किसी के चोट नहीं है। चोट मोट भाग नहीं लगी, वो तो गिर गया। तो मतलब नंबर मालूम है गाड़ी का? गाड़ी नंबर नहीं मालूम भाई। ये पता नहीं है। नहीं, 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 नहीं।